साझेदारी अधिनियम 1932 इच्छा दीन भागीता एवं विशिष्ट भागीता। इच्छाधारी भागीता एवं विशिष्ट भागीता के संबंध में भारतीय भागीता अधिनियम की धाराएं 7 एवं 8 उपबंधित है। भारतीय भागीता अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जहां की भागीदारों की पारस्परिक संविदा द्वारा उनकी भागीता की अस्तित्ववधि या उनकी भागीता के पर्यवसान के लिए कोई उपलब्ध उपबंध नहीं किया गया है वहां वह भागीता इच्छाधीन भागीता होती है। When no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination as their partnership, the partnership is partnership at will, section 7। इस धारा को देखते हुए इच्छाधीन भागीता तब समझी जाती है जबकि भागीदारों के करार द्वारा न तो भागीता की अवधि को निश्चित किया गया हो और न ही इसके समापन के ढंग को निश्चित किया गया हो। ऐसी भागीता को किसी भागीदार द्वारा किसी भी उचित समय पर अन्य भागीदारों को सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। इसके संबंध में भारतीय भागीता अधिनियम की धारा 43 भागीदार को इच्छाधीन भागीता के समाप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा का कहना है कि जहां भागीता इच्छाधीन है वहां किसी भागीदार द्वारा अन्य सब भागीदारों को फर्म भंग कर देने के अपने आशय की लेखवत सूचना दिए जाने पर फर्म भंग की जा सकेगी। फर्म उस तारीख से जो तारीख सूचना में भंजन के लिए निश्चित है समाप्त हो जाएगी और यदि कोई तारीख निश्चित नहीं है तो सूचना के संसूचित होने की तिथि से समाप्त हुई मानी जाएगी। लेकिन इच्छाधीन भागीता के संबंध में कानून किसी भी भागीदार को ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता कि वह किसी अनुचित समय पर फर्म भंग कर देने की अपने आशय की सूचना देकर कोई विशेष लाभ प्राप्त कर ले। कोई भागीता इच्छाधीन है अथवा नहीं यह भागीता संगले की बनावट पर निर्भर है। इच्छाधीन भागीता के समापन के संबंध में एक भागीदार के लिए यह उचित है कि वह फर्म को भंग कर देने के अपने आशय की सूचना में फर्म के भंजन के लिए कुछ समय अवश्य दे और ऐसी सूचना विशेष परिस्थिति में ही हो। मुल्ला ने इन दोनों बातों को इच्छाधीन भागीता की संगत में स्वीकार किया है। विशिष्ट भागीता। इसके संबंध में भारतीय भागीता अधिनियम की धारा 8 में उपबंधित किया गया है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट समुद्रों या उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा। ए पर्सन में बिकम ए पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन पार्टिकुलर एडवेंचर्स आवर अंडरटेकिंग्स सेक्शन 8। ऐसी भागीता किसी विशेष कार्य या व्यवस्था के लिए गठित की जाती है और उस कार्य अथवा व्यवसाय के पूरा होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। विशिष्ट भागीता के संबंध में किसी विशेष भागीदार के उस व्यवसाय के संबंध में ही अधिकार एवं दायित्व होते हैं अन्य के संबंध में नहीं। उदाहरण के लिए क और ख किसी व्यवसाय में भागीदार हैं और क ख एंड ब्रदर के नाम से कारोबार चलाते हैं। उनकी दो दुकानें बंबई और अहमदाबाद में हैं। वे ग को भागीदार बनाते हैं, उससे करार करते हैं कि केवल अहमदाबाद की दुकान में ही भागीदार बनेगा। ऐसी दशा में ग के अधिकार एवं दायित्व अहमदाबाद की दुकान के संबंध में ही होंगे, बंबई की दुकान के संबंध में नहीं। इसी तरह हीरे के व्यापारी और हीरे के दलाल के मध्य हीरे जवाहरात के किसी विशेष पैकेट के संबंध में विशिष्ट भागीता का सृजन हो सकता है। इस प्रकार विशिष्ट भागीता का यह प्रमुख लक्षण है कि यह किसी विशेष प्रकार के उपक्रम या समुद्रम के संबंध में गठित की जाती है और उनके अंत होते ही उसका भी अंत हो जाता है। परिणाम स्वरूप इस भागीता की अवधि उस विशिष्ट प्रकार के उपक्रम या समुद्रम के पूरा होने की अवधि तक सीमित है। भारत में इस प्रकार की भागीता को विकसित होने का अधिक अवसर मिला है। ऐसे भारतीय कारोबारों में जिनकी भिन्न भिन्न शहरों में विभिन्न शाखाएँ हैं विशिष्ट भागीता समानतया पाई जाती है। संयुक्त रूप से किया गया व्यावसायिक व्यवहार विशिष्ट भागीता का उत्तम उदाहरण है। सामान्य भागीता और विशिष्ट भागीता के भागीदारों में अंतर केवल इतना है कि सामान्य भागीता के भागीदार फर्म के सभी व्यवसाय के प्रति दायी होते हैं और उन सब में अपना अधिकार रखते हैं, जबकि
विशिष्ट भागीदार के भागीदार केवल विशेष व्यवसाय के प्रति ही दायी होते हैं और उसमें ही अपना अधिकार रखते हैं, लेकिन विशिष्ट भागीदार के भागीदारों के अधिकार और दायित्व उन्हीं नियमों से निश्चित होते हैं।